किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पुलिस राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है और राज्य सरकार की जो शुरुआत के दिनों से ये नीति थी कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल तथा भय मुक्त समाज की स्थापना का प्रण वर्तमान सरकार ने लिया था, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और पिछले 4 वर्ष पुलिस के लिए बहुत ही उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान अगर हम अपराध की बात करें तो क्राइम इन इंडिया के जो नक्शे 2019 के प्रकाशित हुए हैं उसमें सभी महत्वपूर्ण अपराधों में उत्तर प्रदेश का स्थान टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 24, 23, 25 इस तरह से है, जबकि हमारे यहाँ जो टोटल आईपीसी के क्राइम हैं उनमें करीब 31.47% की वृद्धि हुई है। और शासन ने का ये भी की नीति थी कि हम लोग 100% अपराधों का पंजीकरण करें, साथ ही साथ महिलाओं संबंधी अपराधों में भी उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन का रेट है वो पूरे देश में 1 का है। माफिया पे भी बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई इस सरकार में की गई है और कुछ ऐसे माफिया हैं जो कि राज्य स्तर से जिनके ऊपर कार्रवाई की मॉनिटरिंग होती है, ऐसे 33 माफिया लोग हैं तथा टोटल सभी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई अगर हम देखें तो उनकी 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है तथा और भारी संख्या में इनके गुर्गों की और इनकी जो लाइसेंस थे, चाहे वो खनन से संबंधित हो, चाहे किसी और अवैध कार्य से संबंधित हो या इनके असलाह से संबंधित हो, इसको भी जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त इस दौरान जो पुलिस कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें पुलिस मुठभेड़ में 135 बदमाश मारे गए हैं तथा हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 3,055 अपराधी घायल भी हुए हैं तथा 16,800 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के भी हमारे 1,093 कर्मी घायल हुए हैं इस कार्रवाई के दौरान। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए एक विशेष अभियान शासन के द्वारा चलाया गया है जिसको मिशन शक्ति का नाम दिया गया है और इसके ये मिशन शक्ति के अंतर्गत लगभग 28 विभागों का के अंतर विभागीय समन्वय से कार्रवाई चल रही है। इसमें सेफ सिटी परियोजना के तहत लखनऊ में पिंक बूथ तथा पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रत्येक थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन सरकार के आने के तत्काल बाद किया गया था और इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई भी की गई है। इसके अतिरिक्त बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर जनपद में 3 महिला पीएसी के बटालियन के गठन का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों के जनपदों में थानों के समकक्ष 1-1 महिला चौकी पुलिस परामर्श केंद्र की भी स्थापना की गई है। परिक्षेत्रीय स्तर पर भी जितने भी साइबर थाने हमारे बनाए गए हैं उनमें भी 1 महिला संबंधी अपराध जैसे कि साइबर बुलिंग या साइबर रिलेटेड क्राइम को लेकर सिर्फ महिला हेल्प डेस्क का भी गठन के का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने पुलिस के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं जिसमें विद्युत चोरी को रोकने के लिए 75 एंटी पावर थेफ्ट थानों का गठन, 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों का गठन तथा सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये रही है कि कानपुर तथा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक अलग से SSF फोर्स का गठन किया गया है और इस दौरान हमारे जो पुराने थाने थे जो ख़राब हो गए हैं
उनमें से उनकी जगह 213 नए थाने और 49 नए पुलिस चौकियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली का उपयोग में उत्तर प्रदेश टॉप के 10 राज्यों में ऑलरेडी आ चुका है और सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की ये रही है कि पिछले 4 सालों में लगभग 1,37,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है और वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से की गई है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी तरीके के किसी भी स्तर से इसमें कोई विघ्न बाधा, जैसे अमूमन कोर्ट कचहरी से चीज़ें हिट हो जाती हैं, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऑलरेडी लोग थे, ऐसे लोगों में से 32,861 लोगों को पदोन्नति का भी दी गई है इस दौरान। जहाँ तक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं उसमें विगत 4 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें भी पुलिस ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उन परिस्थितियों को पूरी तरीके से संभाला और उत्तर प्रदेश में कहीं भी कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं लगा और दोषी व्यक्तियों के से लगभग 23,36,936 रुपये की राजकीय संपत्ति की क्षतिपूर्ति की वसूली भी इस दौरान की गई। हिंसात्मक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों से नुकसान की वसूली हेतु दावा प्राधिकरण का भी गठन सरकार के द्वारा किया गया है। बेहतर पुलिसिंग का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ जो मनाया गया था, इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने आकर स्नान किया और किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और इससे उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की वैश्विक स्तर पे पूरे देश में नाम रोशन हुआ। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो तथा इन्वेस्टमेंट समिट का भी सफल आयोजन सर्वोच्च नागरिकों के भ्रमण के साथ संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त अयोध्या से संबंधित, राम मंदिर से संबंधित जो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था उस दौरान भी पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रही और उसके बाद से जब मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय भी काफ़ी परिस्थितियां तनावपूर्ण थी, लेकिन उसका भी सफल आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने बलबूते पे किया। इसके अतिरिक्त जो विश्वव्यापी कोविड-19 की बीमारी हुई उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही अच्छा कार्य रहा, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रत्येक स्तर पे की गई। यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में पुलिस के द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाई इत्यादि भी मुहैया कराई गई और इस दौरान करीब 40 लाख लोग हमारे अन्य प्रदेशों से आए थे। उनके आवागमन के दौरान भी, जबकि अन्य प्रदेशों में हिंसा इत्यादि हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई, न तो कोई आगजनी होने दी गई और सभी जो हमारे प्रवासी भाई आए थे उनको गंतव्य स्थानों पर प्रशासन ने पहुंचवाया। जहां तक प्रोसिक्यूशन का सवाल है उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं संबंधी अपराधों पर विशेष जोर देते हुए, ऐसे बहुत सारे केसे हैं जहां पॉक्सो से संबंधित केस में या तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा सश्रम कारावास की सजाएं प्रॉपर पैरवी करके दिलाई गई हैं। सवेरा योजना के अंतर्गत बुजुर्गों का पंजीकरण कराकर और महिलाओं को रात्रि में आवश्यकता करने पड़ने पर उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था हमारे UP-112 के द्वारा किया जा रहा है। मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि राज्य सरकार के सहयोग से और पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने